नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पे। हरदोई दौरे पर आएंगे आज अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हरदोई दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो। सागरगढ़ी झाबर मैदान में करेंगे संबोधन, भागीदारी संकल्प मोर्चा की होगी रैली। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ओपी राजभर की अध्यक्षता में होगी रैली। हरदोई दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सागरगढ़ी झावर मैदान में करेंगे संबोधन, भागीदारी संकल्प मोर्चा की होगी रैली, ओपी राजभर की अध्यक्षता में होगी रैली। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव हरदोई दौरे पर रहेंगे, ओपी राजभर भी साथ रहेंगे, सागरगढ़ी झावर मैदान में संबोधन करेंगे, भागीदारी संकल्प मोर्चा की रैली होगी, ओपी राजभर की अध्यक्षता में होगी रैली। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हरदोई दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो, सागरगढ़ी झावर मैदान में करेंगे संबोधन, भागीदारी संकल्प मोर्चा की रैली होगी, ओपी राजभर की अध्यक्षता में होगी रैली। हरदोई दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सागरगढ़ी झावर मैदान में संबोधन करेंगे। जहां एक तरफ चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जनता के बीच जाने का दौर भी शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर उसको संबोधित करती, अपने कार्यों के बारे में बताती और सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आती है। तो सपा सुप्रीमो आज हरदोई दौरे पर रहेंगे और सागरगढ़ी झावर मैदान में संबोधन भी करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है, भागीदारी संकल्प मोर्चा की रैली होनी है, ओपी राजभर की अध्यक्षता में ये रैली होगी। सीएम योगी गोंडा जौनपुर और वाराणसी में रहेंगे मौजूद, बलरामपुर चीनी मिल में करेंगे कार्यक्रम, बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आज शाम को वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी, सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। योगी गोंडा जौनपुर के दौरे पर रहेंगे, बलरामपुर चीनी मिल में कार्यक्रम करेंगे, बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम योगी। आज शाम को वाराणसी पहुंचेंगे सीएम, सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी गोंडा जौनपुर और वाराणसी यानी कि तीन जिलों के दौरे पर रहेंगे, बलरामपुर चीनी मिल में कार्यक्रम भी है जहां शामिल होंगे, बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम योगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आप सांसद संजय सिंह को मिली धमकी, फोन पर मिली गोली मारने की धमकी। संजय सिंह के मुताबिक 24 नवंबर की है घटना, संजय सिंह पत्रकार पुरम के रॉयल कैफे में थे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आप सांसद संजय सिंह को मिली धमकी, फोन पर मिली गोली मारने की धमकी। संजय सिंह के मुताबिक 24 नवंबर की है ये घटना, संजय सिंह पत्रकार पुरम के रॉयल कैफे में थे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आप सांसद संजय सिंह को मिली धमकी, फोन पर मिली गोली मारने की धमकी। संजय सिंह के मुताबिक 24 नवंबर की है यह घटना, संजय सिंह पत्रकारपुरम के रॉयल कैफे में मौजूद थे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, ये लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आप सांसद संजय सिंह को गोली मारने की धमकी दी गई है, धमकी मिली है और उस वक्त वो पत्रकारपुरम के रॉयल कैफे में मौजूद थे जब उन्हें फोन पर गोली मारने की धमकी मिली है और बताया जा रहा है ये 24 नवंबर की घटना है। नीति आयोग की आई रिपोर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रिपोर्ट के अनुसार देश के बाद सबसे गरीब राज्य पहला बिहार 51.91% आबादी, दूसरा झारखंड 42.16% आबादी गरीब, तीसरा उत्तर प्रदेश 37.73% आबादी गरीब, चौथा मध्य प्रदेश 36.65% गरीब आबादी, पांचवा मेघालय 32.67% गरीब आबादी। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार रिपोर्ट के अनुसार पांच राज्य सबसे ज्यादा गरीब की लिस्ट में शामिल हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर बिहार है 51.91% के
साथ दूसरा झारखंड 42.16% गरीबों के साथ, तीसरा उत्तर प्रदेश 37.79% गरीब आबादी, चौथा मध्य प्रदेश 36.65% आबादी, पांचवा मेघालय 32.67% गरीब आबादी। नीति आयोग ने रिपोर्ट पेश करी है जिसमें बताया गया है कि 5 सबसे गरीब राज्यों की सूची जारी की गई है, जिसमें पहले नंबर पर बिहार है 51.91% के साथ, दूसरा झारखंड है जहां पे 42.16% गरीब आबादी है, तीसरा उत्तर प्रदेश 37.79% गरीब आबादी है, चौथा मध्य प्रदेश 36.65% गरीब आबादी के साथ, और पांचवा मेघालय 32.67% आबादी के साथ। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दलित परिवार के 4 लोगों की हुई है हत्या। कांग्रेस महासचिव ने पीड़ित परिजनों की मुलाकात की। प्रियंका गांधी का सरकार पर वार। प्रदेश में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। न्याय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है, मैं न्याय की लड़ाई के साथ हूं, प्रियंका गांधी ने कहा। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दलित परिवार के 4 लोगों की हुई हत्या। डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, हमीरपुर से बड़ी खबर, हादसे में पिता बेटे की दर्दनाक मौत। डंपर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हमीरपुर से खबर सामने आ रही है जहां पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिता बेटे की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम, बड़ी खबर सामने आ रही है, हमीरपुर जिले के सिसोलर थाना क्षेत्र का मामला। जम्फर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, हमीरपुर से बड़ी खबर, हादसे में पिता बेटे की दर्दनाक मौत। डंपर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिता बेटे की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम, हमीरपुर से ये दर्दनाक खबर सामने आ रही है, हमीरपुर जिले के सिसोलर थाना क्षेत्र की घटना। डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, हादसे में पिता बेटे की दर्दनाक मौत। इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, क्या है पूरा मामला, किस तरह हुई इन दोनों की मौत? शेखा जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला सिसोलर थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव का बताया जा रहा है जी, जहां एक डंपर बांदा जनपद में संचालित मोरम खदान में मोरम भरने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ है और पिता पुत्र की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई है जी। और इस हादसे को अंजाम देने के बाद डंपर भाग रहा था, जिसको सिसोलर थाना पुलिस की सूचना पर बांदा जनपद की खटिया चौकी पुलिस ने डंपर चालक को डंपर सहित गिरफ्तार किया है जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ब्रिजेश जुड़े थे हमीरपुर से। युवक ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या, फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर किया आत्महत्या, परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर करने का लगाया आरोप। फरुखाबाद से ये खबर सामने आ रही है, मृतक युवक करता था पैसों के लेन देन का काम, लेन देन में पुलिस ने लिखाया था समझौता पत्र, पुलिस लगातार युवक को आए दिन देती थी धमकी। फरुखाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला, युवक ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या, फरुखाबाद से खबर सामने आ रही है, पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर की आत्महत्या, परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर करने का लगाया आरोप। मृतक युवक करता था पैसों के लेन देन का काम, लेन देन में पुलिस ने लिखाया था समझौता पत्र, पुलिस लगातार युवक को आए दिन देती थी धमकी। फरुखाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला, फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युवक ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर यह आत्महत्या की गई है और परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, क्या है पूरा मामला, घर वाले किस तरह का आरोप लगा रहे पुलिस पर? जी, मामला थाना कोतवाली फरुखाबाद के मोहल्ला कचियाना का है। यहाँ पर बीसी का एक लेन देन सामने आ रहा था, जिसमें कि
पुलिस के द्वारा समझौता भी करवा दिया गया था, उसमें 26 जनवरी तक पैसा लौटाने की बात हो रही थी, लेकिन फिर भी परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा पीड़ित को बार बार बुला के प्रताड़ित किया जा रहा था, और उसके भाई ने भी आरोप लगाया कि उसको प्रताड़ित किया गया था, और इसमें एक सिपाही का नाम आ रहा है कि जो बार बार बुला के टॉर्चर कर रहा था, परिजनों द्वारा आरोप है, इसी से प्रताड़ित होकर परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। सुंदरम, हम ये भी जानना चाहेंगे किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था युवक को, पैसे के लेन देन का जो मामला था, अगर युवक पैसे का लेन देन का काम करता था तो पुलिस उस बीच में क्यों पड़ी थी? जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा पैसे का कुछ मामला था, उसमें पुलिस को बुलाकर उसको समझौता करवाया गया था कि इस तारीख तक वापस किया जाएगा, लेकिन फिर भी पुलिस उनको बार बार थाने और चौकी में बुलाकर रात पर रख के घंटों प्रताड़ित करती थी, ऐसा आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। जी, इस मामले पे पुलिस का क्या कहना है? अभी पुलिस के द्वारा सिर्फ ये कहा गया है कि जांच चल रही है और जानकारी के जांच के बाद ही कोई जानकारी दी जाएगी। जी, जिस पुलिसकर्मी पे आरोप लगाए जा रहे हैं उसके खिलाफ क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया गया है या फिर सिर्फ उसे बचाने की कोशिश की जा रही है? इस मामले में दीपा पोती में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बासा जुड़े के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से, संवाददाता। वन विभाग, पुलिस और अवैध ठेकेदारों का भ्रष्टाचार आया सामने, पुलिस की मिलीभगत से चल रही है अवैध कटान। रायबरेली से बड़ी खबर, योगी सरकार पर्यावरण को दे रहा बढ़ावा, और इधर भ्रष्टाचार निकल कर आ रहा सामने, ग्रामीण क्षेत्रों में हरे भरे पेड़ों की कटाई जोरों पर, मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र का। वन विभाग, पुलिस और अवैध ठेकेदारों का भ्रष्टाचार आया सामने, पुलिस की मिलीभगत से चल रही है अवैध कटान। रायबरेली से ये बड़ी खबर सामने आ रही, योगी सरकार पर्यावरण को दे रहा बढ़ावा, ग्रामीण क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई जोरों पर है, मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र का। वन विभाग, पुलिस और अवैध ठेकेदारों का भ्रष्टाचार आया सामने, पुलिस की मिलीभगत से चल रही है अवैध कटान, योगी सरकार पर्यावरण को दे रहा बढ़ावा, ग्रामीण क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई जोरों पर है, मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र का। वन विभाग, पुलिस और अवैध ठेकेदारों का भ्रष्टाचार सामने आया है, हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, पुलिस की मिलीभगत बताई जा रही है, योगी सरकार पर्यावरण को बढ़ावा दे रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में हरे पेड़ों को जोरों से काटा जा रहा है, डलमऊ कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। वन विभाग का भ्रष्टाचार सामने आया है, पुलिस की मिलीभगत बताई जा रही है, योगी सरकार जो है एक तरफ पर्यावरण को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी तरफ अधिकारियों का इस तरह से भ्रष्टाचार निकल के सामने आया है, जो वो चाहे वन विभाग हो, पुलिस हो या फिर अवैध ठेकेदार। रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की मिलीभगत बताई जा रही है, पर्यावरण को बचाने और बढ़ाने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।